रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दक्षिणी इसराइल पर हमास के हमले से उत्पन्न हुए मध्य पूर्व संकट में अमेरिका की भूमिका को लेकर उसकी आलोचना की है। पुतिन ने कहा, मेरा मानना है कि कई लोग मुझसे सहमत होंगे कि अमेरिका की मध्य पूर्व नीतियों की विफलताओं का एक ज्वलंत उदाहरण है। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने कहा, अमेरिका ने शांति समझौते पर एकाधिकार जमाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उन समझौतों को लागू करने की दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य हो। पुतिन ने दोनों पक्षों पर वाशिंगटन के दबाव के बारे में भी चिंता व्यक्त की और कहा कि ये फिलिस्तीनी लोगों के मूल हितों पर विचार किए बिना एकतरफा समाधान लागू करने का एक प्रयास था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों में उल्लेखित एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र का निर्माण भी शामिल है। पुतिन ने दावा किया कि अमेरिका ने कभी भी फिलिस्तीनी लोगों के मूल हितों को ध्यान में नहीं रखा। पुतिन की ये टिप्पणी मॉस्को में इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद अल सुदानी के साथ बैठक के दौरान आई। उन्होंने इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के दोनों पक्षों के नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचाने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सहित वरिष्ठ रूसी अधिकारियों ने भी नए सिरे से शत्रुता के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया है। लावरोव ने प्रस्ताव दिया कि मध्य पूर्व मध्यस्थों की चौकड़ी, जिसमें अमेरिका, रूस, यूरोपीय और संघ और संयुक्त राष्ट्र शामिल हैं, को शांति वार्ता में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। ये सुझाव देते हुए कि अमेरिका ने अपने हितों को एकाधिकार करने के लिए इस तंत्र को दरकिनार कर दिया है। गाजा में स्थित हमास ने इजरायली क्षेत्र पर एक भयानक हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमास को खत्म करने के लक्ष्य के साथ इजरायल की ओर से सैन्य प्रतिक्रिया हुई, जबकि अमेरिका ने इजरायल के लिए सैन्य समर्थन का वादा किया है और अन्य देशों से हमास की निंदा करने का आह्वान किया है। मॉस्को ने जिम्मेदार पार्टी की परवाह किए बिना नागरिकों के खिलाफ सभी हिंसा की निंदा की है और वास्तविक सुलह के मार्ग के रूप में दो राष्ट्र समाधान की वकालत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।